26 जनवरी की आमद पर रेलवे पुलिस फरीदकोट द्वारा बढ़ाई चौकसी के चलते कोटकपुरा रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस कोटकपुरा, मुक्तसर, जैतो और फरीदकोट की सांझी टीम द्वारा की जा रही तलाशी मुहिम दौरान दो व्यक्तियों को काबू कर लेने का मामला सामने आया है, जिनकी तलाशी दौरान इनसे दो गट्टों में 35 किलो गांजा निर्यात किया गया है, जो भागलपुर बिहार से पंजाब बेचने के लिए लाया गया था और इसकी मार्केट कीमत 3 लाख रुपये बताई जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते फरीदकोट रेलवे पुलिस के इंचार्ज सुखदेव सिंह लाडा ने कहा कि समाज विरोधी अंसरों के खिलाफ शुरू की मुहिम दौरान दो व्यक्तियों को काबू किया गया है, जिनसे 35 किलो गांजा बरामद किया गया है, जो भागलपुर बिहार से पंजाब बेचने के लिए लेकर आए थे। फरीदकोट पंजाब से कल 26 जनवरी की सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए फरीदकोट, कोटकपुरा, जैतो, श्री मुक्तसर साहब के चौकी इंचार्ज और थाने की फोर्स जी स्पैशल चैकिंग की जा रही थी। कोटकपुरे रेलवे स्टेशन से जब छिंदवाड़ा गड्डी आके रुकी है तो दो नौजवानों को काबू किया है, दो टीम बनाई गई पुलिस पार्टी दख चैकिंग दिन ने को 19.5 किलो एक 18.5 किलो गांजा बरामद होया है, जिहड़ा ये भागलपुर बिहार वगैरह तो लैके आए थे। 4000 रुपए किलो उधरों लैके आउंदे, इधर 8000 रुपए किलो के हिसाब नाल गांजा वैसे होकर बिक जाता है। ये जिहड़े हैगे आ कल काबू करके गिरफ्तार करके इन्होंने खिलाफ मुकदमा एनडीए दर्ज करता है। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਮਾ ਇਹ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕ ਜਾਣਾ ਸੀ।